लाइव मैच में गूंजे चीटर चीटर के नारे, अंपायर के फैसले पर बौखलाई पब्लिक, जानिए क्या है पूरा मामला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शुक्रवार 22 अप्रैल को मैच खेला गया था, जिसे राजस्थान की टीम ने 15 रनों से जीत लिया। इस बेहद ही रोमांचक मैच के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर फैंस ग्राउंड अंपायर के खराब फैसले की निंदा कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वानखेड़े के स्टेडियम में फैंस चीटर चीटर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस मैच के अंतिम ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी। डीसी के लिए मैदान पर रॉमैन पॉवेल और कुलदीप यादव की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी, वहीं राजस्थान रॉयल के लिए यह ओवर ओबोए मैक्यो करने आए थे। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर रॉमैन पॉवेल ने 3 शानदार छक्के जड़े, लेकिन ओबोए मैक्यो की तीसरी गेंद बल्लेबाज के कमर से ऊपर लगी थी, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड अंपायर ने गेंद पर नो बॉल का फैसला नहीं सुनाया। अंपायर के फैसले से नाराज डीसी के कप्तान ने लाइव मैच में ही अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद काफी गर्मा गर्मी के बीच मैच को एक बार फिर शुरू किया गया। अंपायर और खिलाड़ियों ने जैसे तैसे कप्तान को तो मना लिया, लेकिन वहां बैठी जनता अंपायर के फैसले का लगातार ही विरोध करती नजर आई और इसी बीच उन्होंने चीटर चीटर के नारे भी लगाए। अब इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस घटना के बाद डीसी के टीम यह मैच 15 रनों से हार गई, लेकिन अगर अंपायर ने अपने फैसले पर विचार किया होता तो कहीं न कहीं मैच का रिजल्ट चेंज हो सकता था। अंपायर के फैसले पर फैंस की नाराजगी सोशल मीडिया पर भी दिख रही है। वहीं डीसी के कप्तान ऋषभ पंत ने लाइव मैच के दौरान ही अपना विरोध प्रकट किया। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ज्यादा जानकारी और आईपीएल की अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।